कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बारे में न तो विज्ञान कभी कुछ समझा पाता है और न ही उसे कुछ समझ आती है, और ऐसी घटनाएं एक रहस्य बनकर रह जाती है जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना जाता है। ऐसी ही एक घटना थी डांसिंग फीवर, जिसे आज द डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। इस घटना को हुए आज 500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये दुनिया में अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग अचानक से नाचना शुरू कर देते थे और तब तक नाचते रहते थे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। डांसिंग प्लेग जिसने 1518 में अपना प्रकोप फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग में फैलाया था। बात सन 1518 के जुलाई महीने की है, जब एक फ्राउ नाम की लड़की ने अचानक से अपने घर में नाचना शुरू कर दिया था और वो लगातार कई घंटों तक नाचती रही। वो नाचने में इतना मग्न हो गई कि वो नाचते नाचते अपने घर से बाहर निकल गई और गली में नाचने लगी, और इसके बाद जो हुआ वो काफी डरावना और अजीब था। वो लड़की नाचती ही जा रही थी और सभी लोग उसे देख रहे थे, और उसे देखकर वहाँ पर कुछ और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और 34 लोगों ने एक साथ नाचना शुरू कर दिया। सभी लोग लगातार नाचते रहे और जैसे जैसे समय बीतता गया उस लड़की समेत कई लोगों की नाचते नाचते थकान से मौत होने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी ने करीब 400 लोगों को अपना शिकार बनाया था और यह सिलसिला पूरे 3 महीनों तक चला था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बीमारी को रोकने की कोशिश नहीं की गई। उस समय के कई नीम हकीम जैसे लोगों ने इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी नाकामयाब रहे। उस वक्त लोगों के मन में डर बैठ गया था कि यह किसी जादू टोना की वजह से हो रहा है या फिर यहाँ किसी शैतान का साया है। इस घटना पर कई रिसर्च भी किए गए और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसे मंथ ऑफ हिस्ट्री का नाम दिया है। लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर कोई नाचते नाचते कैसे मर सकता है। डांसिंग प्लेग के ऊपर वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन वो फिर भी इसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।